आज सिविल सेक्रेटरेट के अंदर मुहर्रम प्रोसेशन पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और शिया बरादरी के जितने भी आलिम थे उनकी मीटिंग सिविल सेक्रेटरेट के अंदर चल रही थी। और आखिरकार इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से इमरान रजा अंसारी ने मीटिंग से ही वॉकआउट कर दिया? आखिरकार ऐसी कौन सी बातचीत चली जिसकी वजह से इमरान रजा अंसारी को मीटिंग में बैठने के बजाय वॉकआउट करना ही मीटिंग से अच्छा लगा? आइए दिखाते हैं आपको कि इमरान रजा अंसारी का इस मीटिंग के हवाले से क्या कुछ कहना है कि क्यों आखिरकार उन्हें मीटिंग से वॉकआउट करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। मीटिंग थी, आप वहां से वॉकआउट क्यों किया? देखिए, हम आज जो मीटिंग हुई थी वो गवर्नर साहब की अगुवाई में हुई थी। गवर्नर साहब तशरीफ फरमा थे तो उनने हमसे कुछ सवाल पूछे अबाउट मुहर्रम कि मुहर्रम में हमारी तरफ से कितना सपोर्ट रहा है वगैरह। तो उस पर मैंने बातचीत की उनको, मैंने कहा कि ये ज़्यादा जो मुहर्रम में इसमें ये देखा गया कि अफसरान लोगों का जो विजिट्स हुए हैं वो ज़्यादा फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए हुए हैं, फ़ोटो वो खिंचवाते थे और वापस चले जाते थे। उसके बाद मैंने गवर्नर साहब को कहा कि गवर्नर साहब मुझे आपसे गिला है कि आप इस स्टेट के हेड हैं, इस घर के खानदार हैं, हमसे आपसे ये गिला है कि आपने कभी किसी तरफ भी जहाँ शिया आबादी है, जहाँ मुसलमानों की आबादी है, आपने कभी अपनी तरफ से कोई भी नज़र नहीं दी। तो उनको मैंने फैक्ट्स के बारे में बताया। मैंने कहा गवर्नर साहब आप 6-7 बार तो अमरनाथ यात्रा को देखने गए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ बैठे थे, उनको भी मैंने कहा 5-6 बार वहाँ आपने विज़िट किया, और जो पुलिस के अहलकार थे उनसे भी मैंने ये बात की। तो उस बात पर हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो बड़े एजिटेट हो गए, कहा कि इमरान साहब आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप ये इसको दूसरी दिशा दे रहे हैं। मैंने कहा मैं कौन सी दिशा दे रहा हूँ? कहने लगे आप इसमें कुछ सेक्टेरियन बात कर रहे हैं। मैंने कहा अगर मैंने कोई सेक्टेरियन बात की है, कौन सी बात मैंने की? कहा नहीं, आप कहते हैं कि हमने ज़्यादा अमरनाथ पर। मैंने कहा ये तो फैक्ट है, अमरनाथ यात्रा के लिए आप करते हैं और हम भी हैं, हम भी उसको अमरनाथ यात्रा को चाहते हैं कि वो सफल हो। उसके बाद मैंने उनको कहा कि अगर उसके साथ आपने इतना इंटरेस्ट लिया हमारे साथ भी। तो जब चीफ सेक्रेटरी एजिटेट हुए तो गवर्नर साहब चुप करके बैठे थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब ये इल्ज़ामात मुझे दिए कि आप सेक्टेरियन बात करना चाहते हैं, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, मैंने कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि आप ऐसे कहेंगे कि इमरान अंसारी सेक्टेरियन है। तो उस पर गवर्नर साहब उठे तो उन्होंने कहा आप चुप बैठिए, इनको पहले बात करने दीजिए। मैंने कहा गवर्नर साहब ये मुझे सेक्टेरियन कह रहे हैं और ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है, इससे ये मालूम होता है कि मैं सेक्टेरियन हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी बात बाहर निकले कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन के बारे में कहा। तो उस पर गवर्नर साहब ने कहा कि आप बैठिए, उनका यही था, बिल्कुल डिक्टेशन की तरफ था कि आप बैठिए। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा सर, गवर्नर साहब हम यहाँ किसी और चीज़ के लिए आए थे, मैं डिक्टेशन पसंद नहीं करता हूँ और मैं मीटिंग से चला गया। क्या आपको लगता है कि मुहर्रम का जो ज़्यादा जुलूस है उसे बहाल किया? देखिए, हमने पिछले 25-30 दिनों से हम इनके साथ रबते में रहे हैं, लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपने सरकर्दा लोगों को वहाँ बुलाया है और आप उनकी ऐसी अहानत करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे चीफ सेक्रेटरी साहब और किसी स्टेट के अगर चीफ सेक्रेटरी साहब हों और वो ऐसे अल्फाजों में एक नुमाइंदे से ऐसे बात कर सकते हैं? देखिए, ये एटीट्यूड जो अफसराना एटीट्यूड है यही कश्मीर को ले डूबा है। अब इनको मुहर्रम का निकालना है या नहीं निकालना है, शिया बरादरी सारे मुसलमान जो जम्मू कश्मीर के हैं, जो भी जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलते हैं और उनको पता है कि नाहक उनके नवासे को शहीद किया गया है, वो पेश दरपेश इस आलम शरीफ में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह जुलूस निकलेंगे।